हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं कविता, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में सीखेंगे हम प्लाजो बनाना। ये तरीका है वो बहुत इजी तरीका है, जिसके लिए हमने ये क्रेप का 2 मीटर फैब्रिक लिया है। ये फैब्रिक हमारी कुर्ती के साथ ही आया है, ये देखिए। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं कविता, मेरे चैनल में फ्रेंड्स आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में सीखेंगे हम प्लाजो बनाना। ये हमारा कुर्ती के साथ ही हमारा फैब्रिक आया था, एक क्रेप का फैब्रिक है और ये हमारा 2.5 मीटर फैब्रिक है। ये सलवार का फैब्रिक है एक्चुअली, कि मतलब इससे हम सलवार बना सकते हैं, बट मैं इससे प्लाजो बनाऊंगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, कि हमारा पूरा 2.5 मीटर फैब्रिक इसमें नहीं लगेगा। हमारा लगभग 2 मीटर से थोड़ा बहुत, लगभग 4-5 इंच कपड़ा ज़्यादा लगता है इसमें। 2 मीटर में वैसे ही बन जाता है, जैसे पैंट बन जाती है। तो हम क्या करेंगे कि जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे और 2 मीटर फैब्रिक हम पूरा इसमें रखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने फैब्रिक को इस तरीके से बिछा लिया है। 2 मीटर से थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमारा, जिसको हमने बिछा रखा है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, आप चाहो तो इसको अम्ब्रेला में बना सकते हो, लेकिन जिनके पास फैब्रिक कम होता है तो हम उनके लिए वीडियो बना रहे हैं। सबसे पहले इंच टेप को इस कोने से उस कोने तक रखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इंच टेप को कैसे रखा है आप देख लीजिए। अभी ये जो आप दिख रहा है ज्यादा वाला, इससे हमारा नीचे का घेरा बनेगा, वहां से हमारी कमर निकलेगी। तो हम क्या करेंगे, इसको कट कर लेते हैं पहले। यहां से इसको पूरा हम कट कर लेंगे, बिल्कुल इंच टेप के पास पास कर। फ्रेंड्स, अब आपको अच्छे से समझना है, ये मैंने फैब्रिक को कट कर लिया है, ठीक है। अब हमने जैसे इसको कट किया है, जैसे ये चौड़ी वाली साइड को चौड़ी वाली साइड से, वो आप देख लीजिए अच्छी तरह हम कैसे बिछाएंगे। बिल्कुल जैसे कट किया है ऐसे ही इसको बिछा लेना है इस तरीके से। तो देखिए, मैंने बिल्कुल अच्छे से इसको बिछा लेना है ऐसे, ठीक है। तो ये देखिए, ये अच्छे से बिछ गया है हमारा। जो भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है उसको हम बराबर कर लेते हैं पहले अपने पे मैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम अपना कमर वाला हिस्सा निकालेंगे। से देखिए फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पे कमर साइज है 40, 40 को 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आता है 10 इंच, और 10 इंच में हम 1 इंच की लूजिंग देंगे तो हो गया हमारा 11 इंच। तो हम यहाँ से 11 इंच पे निशान लगा लेंगे इस तरीके से। अब इन निशानों को हम ऐसे एक दूसरे से मिलाएंगे ऐसे। अब हमने ये तो मिला दिए, अब हम यहाँ से नापेंगे इसको। जैसे ये आ रहा है हमारा पूरा 20 इंच पे। अब हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो पूरा ही जो सर्कल है वो 20 इंच पे ही आना चाहिए। तो 20 यहाँ पे आ रहा है ऐसे, बाकी सब ठीक है। बस यहाँ से इसको हल्का सा हमें ये शेप देना है, ठीक है। तो ये कमर का हो गया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, हमें लगाना है अपनी लंबाई का निशान। तो लंबाई का, जैसे हमारे प्लाजो की तैयार लंबाई है 40 इंच, तो 40 में हम इसमें लगभग 3 इंच की बेल्ट लगाएंगे, ठीक है। तो 3 को हम ऊपर निकाल के, जहाँ पे भी हमारा 40 आ रहा है तो यहाँ पे आ रहा है हमारा 40, ठीक है। तो हम यहाँ से इसको रखेंगे और नीचे हम इस पे पीको कराएंगे तो हमारा पीको में थोड़ा सा ही जाता है, ज़्यादा नहीं जाता है। अगर हम इसको ऐसे नापते हैं तो ये आ रहा है 37 इंच, तो हम यहाँ से पूरे में 37 इंच पे निशान लगाएंगे। 3 इंच की इसमें बेल्ट ऊपर होगी, ठीक है। ध्यान रखें आप, इस तरीके से ही आपको करना है। अभी हमने आसन कट नहीं किया है, अभी हम गोलाई का निशान लगा रहे हैं, ध्यान रखें आप ये चीज़ भी। तो इसीलिए वीडियो में अंत तक बनी रहिएगा। अभी देखिए फ्रेंड्स, मैंने पूरे में ये 37 इंच पे निशान लगा के, छोटी छोटी मतलब थोड़ी थोड़ी दूरी से लगा के, और मैंने सभी को एक से मिला दिया है, मतलब एक पूरी लाइन मैंने बना ली है। अब उसके बाद यहाँ से हम अपना आसन लेंगे। ये फैब्रिक हम इसमें से अलग कर देंगे, क्योंकि किनारे वाला फैब्रिक है थोड़ा सा हार्ड होता है, तो ये फैब्रिक हम अलग कर देंगे। अब सबसे पहले हम यहाँ से 3 इंच अपनी बेल्ट का निकालेंगे, 3 इंच की बेल्ट आएगी। अब यहाँ से हमारे जो आसन की लेंथ है वो है 14 इंच, तो हम यहाँ से 14 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से हम लेंगे 2.5 इंच पे, और इस पॉइंट को इस पॉइंट से हम इस तरीके से मिलाएंगे। ये देखिए, यहाँ से ये वाला निशान, और ये बिल्कुल नहीं बढ़ाना है आपको। अब यहाँ से हम इसमें गोलाई दे देंगे
इस तरीके से, ठीक है। अब आप देख लीजिए एक बार निशान को, ये हमारी जो थोड़ी सी तिरछी साइड है, इधर से आसन का निशान नहीं लगेगा, आसन का निशान वहां से लगेगा जो एकदम सीधी साइड है, क्योंकि यहाँ से आप कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि कपड़ा हमारा दोनों तरफ से ओपन है ये, ठीक है। तो ध्यान रखें जो सीधी साइड है वहां से आसन का निशान लगेगा। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। तो ये देखिए जैसे जैसे गोलाई में हमने निशान लगाया है, उसी निशान के ऊपर और जो हमने नीचे एक एक्स्ट्रा फैब्रिक के लिए निशान लगाया था किनारी वाला पार्ट निकालने के लिए, उसको भी साथ के साथ हम निकाल देंगे। और अब हम इसका घेरा कट कर लेंगे। हम इसी घेरे से निकालेंगे क्योंकि फैब्रिक हमारा इसी में से बच गया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा कम फैब्रिक से ही पूरा अम्ब्रेला घेरे वाला प्लाजो बनके रेडी हो जाता है। तो आप भी इसी तरीके से बनाइएगा, एक बार खोल के देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास हैं ये चार पार्ट्स। ये देखिए ये चार पार्ट्स हैं, खुलने के बाद में ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देंगे। ये देखिए, ठीक है, ये आपको इस तरीके से दिखाई देंगे। सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से पूरा सिलाई कर लेना है, सिर्फ आसन वाले पार्ट को छोड़ देना है। मैं चौक से निशान लगा देती हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ये देखिए, ये साइड सिलनी है और ये साइड सिलनी है, ठीक है। सिलाई एकदम बराबर होनी चाहिए आपकी, ये साइड सिलनी है और ये साइड सिलनी है। तो ये दोनों साइड सिल के फिर हम आसन को सेट करेंगे, ठीक है। अब जो हमारे पास ये वाली फैब्रिक बच गई है, तो कुर्ती के नीचे हमारा ये पूरा ढक जाएगा और सेम फैब्रिक है, तो हम क्या करेंगे इसी में से अपने बेल्ट के लिए, जैसे हमें 3 इंच की बेल्ट चाहिए, ठीक है, 3 इंच तो हमारी रेडी रहेगी, उसमें हम 2 इंच और बढ़ाएंगे क्योंकि हमें इसमें इलास्टिक डालनी है। तो इलास्टिक के लिए हमें 2 इंच इस तरीके से चाहिए, ऐसे, तो हमें वो 2 इंच और मतलब टोटल 3 इंच की फिर हमें करनी है। तो मार्जिन जैसे हम कुर्ती में लेते हैं उस तरीके से 5 इंच लंबी एक बेल्ट कट कर लेंगे इसी फैब्रिक में से। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम अपनी साइड की सिलाई लगाएंगे। जैसे मैंने आपको चौक से निशान लगा के दिखाया है, उसी निशान के ऊपर हमें साइड सिल लेनी है दोनों की, मतलब दोनों पैरों की साइड सिल लीजिए। तो अभी देखिए दोनों पैरों की साइड हमारी सिल गई हैं। अभी हमें क्या करना है, दोनों आसन वाले हिस्से ऐसे पकड़ने हैं और इनको सिलाई कर देना है। ये देखिए, दोनों को सीधा ही रखना है, ध्यान रखें दोनों पैर आपके सीधे होने चाहिए। अब बस दोनों आसनों को ऐसे मिला के सिल लीजिए। अगर आपको ऐसे नहीं सिलना है, आपको जैसे नॉर्मल आसन सिलते हैं, आप उस तरीके से भी इसको सिलाई कर सकती हैं। तो जैसे दिखाया था उसी तरीके से सिलाई करके अब ये हमारा इस तरीके से आ गया है। ये देखिए ऐसे आ गया है आसन, अभी ये हमारा पूरा अच्छे से जॉइंट हो चुका है। अभी हम इसमें ऊपर बेल्ट लगाएंगे। तो बेल्ट लगाने के लिए हम क्या करेंगे, फैब्रिक लेंगे, जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक था उसी को हम जोड़ेंगे। नीचे आप पीको करा सकती हैं या फिर इसको मोड़ सकती हैं चाहें तो आप। तो यहाँ से हमने ये कपड़ा ले लिया है, इसको हमें जो जोड़ है वो भी लगा लेना है इस तरीके से, एक दूसरे के ऊपर रख के और यहाँ पे जोड़ को लगा लेंगे। जोड़ को लगाने के बाद प्लाजो की सीधी साइड रखेंगे, बेल्ट को उल्टा करके रखेंगे और ऐसे चारों तरफ को इसमें लगा देंगे। ये देखिए, यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा बेल्ट होगी उसको कट करके हम अलग कर देंगे और अलग करने के बाद अब इसको हम मोड़ेंगे। यहाँ से ये जॉइंट है तो हमें इसको लगभग जितना हमारा इलास्टिक है उससे 1/2 इंच लूज ही रखना है। तो ये मेरी इलास्टिक की चौड़ाई है 1/4 इंच, तो इसको 1.5 इंच रखा है हमने ताकि इलास्टिक इसमें फंसे ना। सेफ्टी पिन की हेल्प से नाड़े की तरह डाल के उसको सिलाई कर देंगे। एक सिलाई इसके ऊपर से लगा देंगे टॉप स्टिच ताकि इलास्टिक आपकी घूमे ना। नीचे पीको करा लेंगे, मोड़ना चाहें तो मोड़ सकती हैं। फाइनल लुक प्लाजो का ये है। मुझे उम्मीद है कि आपके पास भी अगर 2 मीटर फैब्रिक है तो आप भी ऐसा ही घेरदार प्लाजो अपने लिए ज़रूर बनाएंगी। और ये काफ़ी हैवी कुर्ती के साथ का प्लाजो है, सिंपल कपड़े से भी बना सकती हैं। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।